जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एम्बाइव अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आई एम रोहित ठाकुर। एवरीवन, अगेन आई वेलकम यू टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स। चलिए वे क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। जितने लोग वही पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स, अगेन आपकी जो ये क्लास है आपके CDS एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके NDA के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके FCAT के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आज की क्लास आपकी है। तो उसके अलावा जो बैच है आपका स्टार्ट हो चुका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वॉरियर्स, इस बैच में आपको हर चीज़ जो है मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, SSB गाइडेंस मिलेगी, डाउट रेजोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चीज़ जो है आप लोगों को मिलेगी वॉरियर्स। और जिन्होंने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है एम्बाइब सिंपल को, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं एम्बाइब सिंपल को 499 पर मंथ। दैट इज़ द बेस्ट प्लान फॉर यू गाइस। 1 ईयर का पैकेज रहता है, इसमें आपका जो है पूरे सिलेबस जो है अच्छे से कवर होता है। एक साल में आप अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी बिल्कुल मिलेगा, अगर आपके पास MBM कॉइन्स कलेक्टेड है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को वॉरियर्स। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ Agni-4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है पहली न्यूज़ है। डिफेंस कैटेगरी से आती है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 वॉज कैरीड आउट फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर उड़ीसा। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। द लॉन्च सक्सेसफुली वैलिडेटेड ऑल ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स, इट वॉज कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है कि किस कमांड के रहते हुए जो है ये जो है बेसिकली कंडक्ट करवाई गई थी। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे सबके सब, इसको जो है कंडक्ट करवाया गया था स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के नज़रिए में, उनकी नज़र में बेसिकली। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। Agni-4 बेसिकली जो है आपको ध्यान रखना है, Agni सीरीज़ की एक मिसाइल है जिसको पहले हम Agni-2 प्राइम भी बोलते थे। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई इंडियाज़ DRDO एंड डिस्प्लेड अ नंबर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है इसका 8x8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, रेल मोबाइल लॉन्चर है इसके अंदर। लेंथ की बात करी जाए 20 मीटर, ऑपरेशनल रेंज की बात करी जाए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे Agni-4 है तो उसकी जो रेंज रहेगी 4000 से लेके 4500 किलोमीटर तक जो है रेंज रहेगी। Agni-5 है तो 5000 से 5500 तक। तो जिस तरीके से उसकी कैटेगरी है उसी तरीके से जो है बेसिकली उसकी ऑपरेशनल रेंज भी डिसाइड होती है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी अगेन आती है नेशनल कैटेगरी की है, तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे सबके सब। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीजेज द डॉक्यूमेंट्री 200 नॉट आउट इन ऑनर ऑफ मुंबई समाचार लेगेसी। प्लीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज इज डॉक्यूमेंट्री 200 नॉट आउट, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। क्रॉनिकलिंग द इलस्ट्रियस जर्नी ऑफ मुंबई समाचार, एशियाज ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर के ऊपर जो है ये आधारित है, इसके ऊपर जो है इसको रिलीज किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. द सेरेमनी अटेंडेड बाय डिग्निटरीज इंक्लूडिंग महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे हाईलाइटेड द न्यूज़पेपर्स इंड्यूरिंग लेगेसी एंड इट्स रोल इन शेपिंग इंडियाज जर्नलिस्टिक लैंडस्केप. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट न्यूज, इंडिया इंडियन अमेरिकन आर लिस्टेड अमंग टाइम्स 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन AI बाई 2024. तो इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है, काफी इम्पॉर्टेंट है. द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 लिस्ट बाई टाइम मैगजीन ऑनर्स 15 पीपल ऑफ इंडियन और इंडियन ऑरिजिन हाईलाइटिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइम मैगजीन में जो टॉप 100 में है बेसिकली, उनमें जो है कितने इंडियन अमेरिकन हैं या इंडियन ऑरिजिन के अमेरिकन हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है. तो 15 जो है आपको ध्यान में रखना है. इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स जो है इंक्लूडेड इन्फोसिस को फाउंडर नंदन निलेकनी, बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर, अश्विनी वैष्णव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एंड गूगल माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नदेला एंड सुंदर पिचाई भी इसमें शामिल है. कपूर इंक्लूजन कम्स आफ्टर ही वन अ लॉसूट इन 2023 टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड AI यूज ऑफ हिज इमेज. अनिल कपूर मेड इट टू द टाइम 100 AI लिस्ट फॉलोइंग हिज विक्ट्री अगेंस्ट अनऑथराइज्ड AI जनरेटेड कंटेंट यूजिंग हिज लाइकनेस. तो ये आपको ध्यान में रखना है. आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल कैटेगरी की है. पहले जो है सिंगापुर के साथ साइन करा गया था इस चीज़ के रिगार्डिंग. अब जो है $10 बिलियन चिप प्रोजेक्ट बाय अडानी एंड इज़राइल टावर सेमीकंडक्टर. तो इसको आप ध्यान रखिए भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है. $10 बिलियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज एक्सपेक्टेड टू गेट फंडिंग फ्रॉम इजराइल टार्क सेमीकंडक्टर एंड इंडियाज अडानी ग्रुप टोटलिंग ₹839 बिलियन. तो ये आपको ध्यान में रखना है. काफी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जो है सेमीकंडक्टर में भारत में करी जा रही है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिए. The project demonstrates India's effort to become worldwide center for chip manufacturing in spite of setbacks in past, including Foxconn exit from $19.5 billion joint venture with Vedanta and ISMSC shelved $3 billion investment plan. तो ये आपको ध्यान में रखना है. आगे बढ़ेंगे warriors. Just a second. Arun Goyal appointed as India's ambassador to Croatia. तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, काफी important news है. Arun Goyal जो है appoint कर दिए गए हैं ambassador to Croatia. Arun Goyal has been appointed as न्यू एम्बेसडर टू क्रोएशिया. ये देखना है आपको, इम्पोर्टेंट है. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनाउंस्ड हिज रोल ऑन September 7, 2024. गोयल अ रिटायर्ड 1985 बैच IAS ऑफिसर फ्रॉम पंजाब कैडर प्रीवियसली सर्व्ड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम November 21, 2022 टू March 9, 2024. तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है. आगे बढ़ेंगे. जेनिक सिनर बीट्स टेलर फ्रिट्स टू विन 2024 US ओपन. अब ये वाली जो न्यूज़ है स्पोर्ट से आ रही है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा सबके सब.
Jannik Sinner, the world number one tennis player, clinched his second Grand Slam title at the US Open, defeating Taylor Fritz in thrilling final. The victory marked a remarkable comeback for Sinner, who faced significant challenges leading up to the tournament. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Bhupendra Yadav and Chief Minister of Rajasthan present the Swachh Vayu Survekshan Award 2024. ये भी बहुत ही ज़्यादा important news है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान रख सकते हैं. आ भी सकती है आपके. एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है भाई, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए. इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, स्वच्छ वायु दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th September 2024 इन जयपुर. प्लीज़ ध्यान रखिएगा कहाँ पे जो है ऑब्जर्व किया गया है. जयपुर में इसको ऑब्जर्व किया गया है, स्वच्छ वायु दिवस को. यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव एंड राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा लेड द इवेंट. Key dignitaries included Rajasthan Minister of State for Environment Sanjay Sharma and Urban Development Minister Jabbar Singh. तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन dignitaries आई है, ये important नहीं है. कहाँ ऑब्जर्व किया गया है तो वो आपको ध्यान में रखना है. Rajasthan State Pollution Control Board hosted the event, highlighting air quality improvements in 131 cities under the National Clean Air Program, NCAP के तहत जो है इसको host किया गया था. With focused action, 95 cities saw a decline in pollution and 51 cities recorded PM10 reduction of over 20% from the base year 2017-2018, with achieving a 40% reduction. तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स. अब करते हैं क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेंज जो है आपको बतानी है अग्नि 4 मिसाइल की, कितनी रेंज होती है. आसान है, जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी, बिल्कुल सही है, 4000 जो है आपको ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर इवेंट फॉर रिलीज ऑफ 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
बिल्कुल सही आंसर है, अमित शाह इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर वॉज इंक्लूडेड इन टाइम्स लिस्ट ड्यू टू विक्ट्री अगेंस्ट अनऑथराइज AI यूज ऑफ देयर इमेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही आंसर है, अनिल कपूर जी को जो है इंक्लूड किया गया है, जिन्होंने कदम उठाए थे उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनीज आर फंडिंग इंडियाज 10 बिलियन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र. Tower Semiconductor and Adani Group, absolutely right answer. Next, who has been appointed as India's next ambassador to Croatia? Very important. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर इसका अरुण गोयल है, एब्सोल्युटली राइट आंसर. तो ये थे भाई आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वॉरियर्स. रोज़ की तरह आपको जो है क्लास को एक बार रिवाइज करना है, और जो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ अपॉइंटमेंट्स हमने आज कवर करी है, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. उसके अलावा वॉरियर्स, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं AI बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड आप लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद है. किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट होता है आप हमारी लेंस ऐप से उसको स्कैन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए. एंड टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम के साथ, रेगुलर लिंक्स के लिए, क्लासेस के PDF के लिए और क्विजेस के लिए. उसके अलावा अगर आप पर्सनली डाउट पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं 24/7, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप लोगों के लिए जो है वहाँ पे मौजूद है. किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जो है तुरंत से मिल जाएगा. तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स के साथ और देखते हैं कि कल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है. Till the time, guys, take care, goodbye, Jai Hind everyone. Keep imbibing. We believe in you.